पुष्कर सिंह धामी ने राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर कचहरी देहरादून में शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर उत्तराखंड राज्य आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि आज उत्तराखंड राज्य रजत जयंती वर्ष में प्रवेश कर गया है। वहीं देहरादून के रिजर्व पुलिस लाइन में रैतिक परेड आयोजित की गई, जिसमें राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सलामी लेने पहुंचे। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद की काउंसलिंग के गठन में मनोनीत हुए चेयरमैन और उपाध्यक्ष समेत सभी सदस्य आज पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। राजनिवास में दोपहर 3:30 बजे कार्यक्रम होगा। सबसे पहले लोकसभा सांसद बासुरी स्वराज NDMC में सदस्य के तौर पर शपथ लेंगी। अरविंद केजरीवाल भी नई दिल्ली विधानसभा से विधायक के तौर पर शपथ लेंगे। चुनावी नतीजों के आने के बाद सियासी पारा हाई चल रहा है। इस बीच हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष चौधरी उदय भान ने कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया पर संगठन नहीं बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बावरिया ने पार्टी पदाधिकारियों की सूचियां कांग्रेस हाईकमान को नहीं भेजी, जिससे संगठन कमजोर हुआ और पार्टी चुनाव हार गई। उदय भान ने EVM हैकिंग का भी आरोप लगाया। आपको बता दें कि बावरिया चुनाव हारने के बाद से ही सक्रिय नहीं है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने हेलमेट पहनने से छूट के मामले में स्पष्ट किया है कि ये केवल पगड़ी पहनने वाले सिख पुरुषों के लिए है, अन्य किसी भी महिला को इससे छूट नहीं है। हाई कोर्ट ने अब हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ को बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने वाली और पीछे बैठी महिलाओं के चालानों का ब्यौरा सौंपने का आदेश दिया है। झारखंड चुनाव को लेकर राज्य का सियासी पारा हाई चल रहा है। इस बीच झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निजी सचिव सुनील श्रीवास्तव के रांची स्थित आवास पर केंद्रीय एजेंसी की छापेमारी चल रही है। जानकारी के मुताबिक आयकर विभाग मुख्यमंत्री सोरेन के करीबी और अन्य के ठिकानों पर छापेमारी कर रहा है। रांची और जमशेदपुर समेत 9 जगहों पर छापेमारी की जा रही है। पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं में जमकर वृद्धि हुई है। आपको बता दें कि शुक्रवार राज्य में एक ही दिन में 730 जगह पराली जलाने की घटनाएं सामने आई। ये आंकड़ा इस सीजन का अब तक का सबसे ज्यादा है। पराली जलाने की घटनाओं में बढ़ोतरी का राज्य के एयर क्वालिटी इंडेक्स पर भी असर पड़ रहा है। राज्य के 6 शहरों का AQI 200 से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है। उत्तराखंड राज्य आज अपनी स्थापना के 25वें साल यानी कि रजत जयंती वर्ष में प्रवेश कर लेगा। राज्य स्थापना दिवस के इस खास उत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वीडियो संदेश के माध्यम से शामिल होंगे। देहरादून और ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंड की भराड़ी सैंड विधानसभा भवन परिसर में आयोजित कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री के वीडियो संदेश प्रसारित होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन कार्यक्रमों में शामिल होंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बड़ी घोषणा की है। जल्द ही गाँव में रहने वाले 2 लाख गरीब लोगों को 100-100 गज के प्लॉट वितरित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इन लाभार्थियों को मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी। CM नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को जरूरी तैयारी करने के आदेश दिए हैं। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल सरकार की प्राथमिकताओं पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सुक्खू सरकार की प्राथमिकताओं में हिमाचल और हिमाचलियों का हित, विकास, जन सुविधा कहीं नहीं है। प्रदेश में विकास के सारे काम ठप पड़े हैं। हर ओर अराजकता का बोलबाला है। प्रदेश में माफिया सर उठा रहा है। कानून व्यवस्था ध्वस्त है। दिन दहाड़े गोलियां चल रही हैं। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर राज्य का सियासी पारा हाई चल रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि उन्होंने अपना चुनाव चिन्ह मशाल बेच दिया है और इस निर्वाचन क्षेत्र को भी छोड़ दिया है। चलती मशाल क्रांति का प्रतीक नहीं है, बल्कि घरों में आग लगाने और समुदायों के बीच दरार पैदा करने का एक माध्यम है। वे जानते थे कि वे इस निर्वाचन क्षेत्र को खोने जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने ये क्षेत्र किसी और को दे दिया।